पहले हम लोगों ने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फॉर्मली अनाउंस किया था, जो कि आप लोगों तक पहुंचा होगा। हम लोग ये मीटिंग करना चाह रहे थे ताकि अगर उसके ऊपर कुछ सवाल आप लोगों के हैं तो उसको एड्रेस कर सकें हम लोग, और उसमें थोड़ी सी हम क्लैरिटी दे सकें। मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ कि दिसंबर 22 में हमारा 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिवाइज किया गया था हुकूमत पाकिस्तान में, जिसके अंदर हमारी अब 16 रीजन्स मौजूद हैं और 18 टीमें मौजूद हैं। अब नए स्ट्रक्चर के मुताबिक कायद अजम ट्रॉफी हमारी 8 टीमें खेलेंगी, और जिसको हम ग्रेड 2 कहते थे हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी उसका नाम दे रहे हैं, वो नॉन फर्स्ट क्लास फोर्टी क्रिकेट है जो कि 10 टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान कप इसी तरह 8 टीमें पाकिस्तान कप भी खेलेंगी, और नेशनल टी20 हमारी टोटल 18 टीमें नेशनल टी20 खेलेंगी। पहले जब 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक टूर्नामेंट्स हो रहे थे, 2018 और 19 मेरे ख्याल से आखिरी साल था, उसमें वनडे टूर्नामेंट नहीं होता था सेकंड 11 टीम्स का। इसमें हम लोगों ने वनडे टूर्नामेंट भी इंट्रोड्यूस कराया सेकंड 11 टीम्स का, जो मेरे ख्याल से जो बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ है वो जो किसी भी डोमेस्टिक में होनी चाहिए कि प्लेयर की अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, ज़्यादा प्लेयर्स खेल रहे हैं एक चीज़, और फाइनेंशियल जो उनके पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ी है। जैसे अगर आप देखें दूसरे मुल्कों में
जिस तरीके से अब लोगों को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और जिस तरीके से उनकी अर्निंग है, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हम उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब ड्यूअल अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स के पास आ रही है। इसको अलहदा करने से पहले ये था कि उस वक्त शुरू में ये लग रहा था कि हम डिपार्टमेंट और रीजन्स जो है उसको साथ खिलाएंगे, लेकिन जब इसको अलहदा किया है तो अब प्लेयर्स के पास दो अपॉर्चुनिटी हो गई है, वो डिपार्टमेंट से भी खेल सकते हैं और रीजन से भी खेल सकते हैं, और इसकी वजह से उनकी इनकम की जो स्ट्रीम है वो डबल हो जाती है। तो ये जो दो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से इस डोमेस्टिक में, एक तो स्पेशली जैसे मैंने कहा कि प्लेइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, ज़्यादा प्लेयर्स को पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा, दूसरा जो है इसमें जिस पर बहस हर वक्त हो रही थी वो मेरे ख्याल से एड्रेस हो जाता है यहाँ पे, और दूसरा जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। लास्ट ईयर हमने 192 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, इस दफ़ा 360 कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे थे, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नंबर में, 360 जी, तो 192, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस दफ़ा प्लेयर्स जो है वो 192 के बजाय 360 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब बहुत हद तक हमारे प्लेयर्स जो है ना वो फाइनेंशली बेहतर होते जा रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक खेल रहे हो। पहले एक बड़ा डिफरेंस होता था जिस वक्त हम भी क्रिकेट खेलते थे, कि डोमेस्टिक खेलने वालों में और इंटरनेशनल खेलने वालों में, उनमें फाइनेंशियल बहुत बड़ा डिफरेंस होता था। एक बंदा जो है वो सोचे पजेरो लेकर आ रहा है तो दूसरा साइकिल पर आ रहा है, तो अब वो डिफरेंस बहुत हद तक कम हो गया, और उसकी एक तो ये वजह कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं, उसके साथ दूसरी अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट की, और तीसरी जो बड़ी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वो PSL है, उसमें भी आपके 70 से 80 जो प्लेयर हैं डोमेस्टिक के वो PSL में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तीन चार जगहों से अब प्लेयर्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है फाइनेंशियल, जिसकी वजह से उनके हालात बहुत बेहतर हो गए। तो जब आप देखेंगे तो बड़ा देख के खुशी होती है हमें, इसलिए कि हमने वो सारा टाइम देखा हुआ है। उसके बाद अब जब प्लेयर्स को देखते हैं फाइनेंशली उनकी जितने स्टेबल हैं वो, और दूसरी जो उनकी जो उसकी वजह से जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई तो वो फुल प्रोफेशनल उनकी अप्रोच हुई। और अगर आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का डिसिप्लिन, पाकिस्तान के प्लेयर्स की स्पिरिट, उसकी लोग तारीफ़ करते, कल भी लोग तारीफ़ कर रहे थे जब अफगानिस्तान से हम मैच खेल रहे थे, उस पर कमेंटेटर्स ने भी की और हमेशा की। मैं अंडर 19 का मैनेजर रहा हूँ 2 साल, 2-3 साल के करीब तकरीबन मैं रहा था, और मुझे देख के इतनी खुशी होती थी कि इतने डिसिप्लिन लड़के हो गए, क्योंकि अब वो समझने लगे कि दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर और दे वांट टू बी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट की जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त तब्दीली है उसके अंदर, प्लेयर्स के अंदर, और बहुत ज़िम्मेदारी से वो प्लेयर खेलते हैं और बहुत ज़िम्मेदारी से जो है वो अपने डिसिप्लिन और बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जी, लास्ट ईयर तक 5 कैटेगरीज थी, A+, A, B, C, D, इस दफ़ा हमने E और F भी इंट्रोड्यूस कराई है, तो अब जो है वो 7 कैटेगरीज हो जाएंगी, और उस 7 कैटेगरीज में 360 प्लेयर है जो वो है उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट्स क्राइटेरियाज है वो उसी तरीके से जैसे लास्ट ईयर थे, कि आपकी सीनियोरिटी भी देखी जा रही है, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और हमने जो कैटेगरीज में मोस्टली जो क्राइटेरियाज बनाए वो 3 साल की परफॉर्मेंस ली है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीज़न आपने अच्छा खेला तो आप बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएं। लेकिन जैसे आप लोगों को पहले का भी पता है कि A+ कॉन्ट्रैक्ट जो हम पहले भी देते थे वो उसमें जो पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं उनकी मर्ज़ी भी शामिल होती है, क्योंकि वो उन प्लेयर्स को भी कुछ को मिलते हैं परफॉर्मेंस से हट के, जो कि फ्रेंच प्लेयर्स होते हैं, उनको फाइनेंशियली लुक आफ्टर करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनको भी कुछ को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो हर साल देते हैं, इस दफ़ा भी उनको देंगे। जी, A+ में कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो कि वहाँ से जिनकी रिकमेंडेशन आएगी हेड कोच की तरफ से, हमेशा से होता है जैसे मैंने कहा पिछले 3-4 साल से, तो इस वो भी होगा। लेकिन एट द सेम टाइम उसी A+ कॉन्ट्रैक्ट में जो कायज़म ट्रॉफी के टॉप प्लेयर्स हैं, 4 टॉप बैट्समैन और 5 टॉप बॉलर्स, उनको भी हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए दे रहे हैं, ये नहीं कि पिछले साल की या 2 साल की परफॉर्मेंस, नहीं, पूरे 3 साल की जो परफॉर्मेंस है उनको इस तरह क्राइटेरिया में शामिल किए। तो हाँ, पहले भी 3 लाख रुपए थे, इस साल भी 3 लाख देंगे,
ए प्लस को जी पर मंथ कम अज कम जो है हमारा 50,000 है ना। एफ कैटेगरी, एफ कैटेगरी वो है जो बिल्कुल न्यूली जो बच्चे अंडर 19 से ग्रेजुएट करके आते हैं, यंग प्लेयर्स, और हमने कैटर कर लिया है मतलब तकरीबन सी कैटेगरी तक हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर है, जो हमारे सीनियर प्लेयर है, क्योंकि आपको पता है किसी भी फील्ड में जिस जो चर्से से खेल रहा होता है डेफिनेटली उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है, तो उनको ज़रूर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए। तो शुरू की जो तीन कैटेगरीज हैं वो उसी में अकोमोडेट होते हैं जी, पूरे साल 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 1 साल 12 महीने का जी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपके सिस्टम में लोग उनको आप प्रोटेक्ट करें और कंटिन्यूटी दें, क्योंकि डेवलपमेंट फेज में होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट होती इसीलिए पूरी दुनिया में क्या एक मजबूत अपने मुल्क की टीम बना सके। तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो प्लेयर्स जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज़ हैं उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये आपको मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की है कि जिन लोगों ने परफॉर्मेंसेस किए हैं जो रेगुलर बेसिस पर पिछले 4-5 साल 6 साल और 10 साल से खेल रहे हैं उनको सिलेक्शन में ले, उनको उनकी सिलेक्शन जो है वो उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो वो हमने मेक श्योर किया, इंशाल्लाह वो आपको शिकायत नहीं होगी। और एट द सेम टाइम देखें जो भी कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है उसमें नए लोगों के रास्ते भी खुलने चाहिए, तो वो भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस करके बच्चे आ रहे हैं या जो अंडर 19 से आ रहे हैं या जो पाकिस्तान अंडर 19 जो है वो खेल रहे हैं उनको भी इंडक्ट करना है, उनको भी ग्रेजुएट करना है, वो सारी चीज़ें हमने कैटर करने की कोशिश की है इस क्राइटेरिया में। अगर आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल में आपने ये देखा होगा कि अगर PSL में आप इमर्जिंग प्लेयर की परफॉर्मेंसेज देखेंगे, जो एक वक्त में हमारा अगर आप शुरू की PSL देखें तो एक वीकेस्ट लिंक होता था इमर्जिंग प्लेयर और सब परेशान होते थे किसको खिलाएं, लेकिन अगर पिछले 2 साल से देखेंगे आपके इमर्जिंग प्लेयर जो है बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि हम उसको बड़ा स्मूथली ग्रेजुएट कर रहे हैं मुसलसल पिछले 3-4 साल से अंडर 19 से लेकर उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ग्रेड 2 क्रिकेट खिला रहे हैं, और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। और हमारी कोशिश है कि इनको प्रोटेक्ट करें, इन प्लेयर्स को जो डेवलप कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमने पैसे लगाए हुए हैं, जिनके ऊपर हमने टाइम लगाया हुआ है और वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको हम मेक श्योर करेंगे वो टीमों में। इस पे जुनेद पिछले तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे इसमें ना, क्योंकि बोर्ड अब 2-3 बार चेंज हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा इशू बिल्कुल आया है, मगर ये रेस्ट शोर्ड ये जो जो भी पेमेंट्स जिन प्लेयर्स की रहती हैं वो क्लियर हो गए। नए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहाँ वो ख़त्म होंगे उसी दिन से आगे जो है ये नए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जी तो देखें जो बेस्ट प्लेयर होगा डिपार्टमेंट उसी को पिक करेगा ना, तो वो इसीलिए अलहदा इसलिए किया है ताकि जो बेस्ट प्लेयर है वो पूरे 16 मैच खेल सके सीजन, तो वो डिपार्टमेंट की मर्जी है वो उसी प्लेयर को लेना चाहता है जो रीजन से पार्टिसिपेट कर रहा है या वो नया खिलाड़ी लेना चाहता है, मगर वो अपने डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट प्लेयर उठाएगा। इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूं कि देखिए जब रीजनल क्रिकेट हो रही होगी तो 18 टीमें खेल रही हैं, तो 18 टीमों को आप देखें 20 का स्क्वाड है, 360 प्लेयर इन्वॉल्व है, तो अपॉर्चुनिटी तो बढ़ गई ना पहले ही। अब जो डिपार्टमेंट की टीम बनेगी उसमें बिल्कुल जो उस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होंगे या जो पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं, डिपार्टमेंट तो कोशिश करेगा उन लोगों को खिलाने को। आप जो आप कह रहे हैं ना कि अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कम इसलिए नहीं होगी कि 360 प्लेयर तो इधर खेल रहे हैं, किसी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नंबर है कि 360 प्लेयर जो है उस डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व हों एट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लेवल, तो ये बहुत बड़ा फिगर है मेरे ख्याल से जिसमें से आपकी प्लेयर जो है परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान टीम में जा सकते हैं, मेरे ख्याल से एक अच्छा नंबर। मैच फीस में अभी इजाफा नहीं हो रहा,
बल्कि कुछ जगह पे थोड़ा बहुत हमने उसको कम भी किया है क्योंकि अब सारे प्लेयर्स के पास ड्यूअल अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन हमने दूसरी तरफ डेली अलाउंस को बढ़ा दिया है क्योंकि आपको पता है कि प्लेयर्स को हम अच्छे होटलों में ठहराते हैं तो उनकी डेली अलाउंस बढ़नी चाहिए, ऑलमोस्ट डबल कर दी, 2,500 से 5,000 हो गई है जी डेली अलाउंस, तो एक तो वो बढ़ गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा जो हमारा ज़ाहरी बात है, आपको पता है कि जिस तरह से महंगाई चल रही है और जिस तरह से आजकल की क्रिकेट है उसमें फ़िटनेस के जो मसाइल हैं या फिटनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, असल में मसाइल तो नहीं रिक्वायरमेंट मैं कहूँगा, उसके लिए आपको अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा बजट था 1,200 रुपये का जो लंच का हम देते थे उसको भी हमने बढ़ा के जो है 2,000 कर दिया है, तो वो भी बढ़ा दिया है ताकि बेहतर से बेहतर जो है ड्यूरिंग द गेम उनको खाना मिल सके। और जी डेलीज के अलावा जो वो ऐसा होता है कि जो लंच का जो हमारा पर हेड होता है ना वो तो मैनेजर जी उसको बढ़ा दिया है कि क्योंकि अब जिस तरह महंगाई चल रही है 1,200 रुपये में वो अच्छा खाना नहीं खा सकते थे तो उसको 2,000 रुपये ले। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, देखिए ये तो किसी भी इदारे में अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो वहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन खुशकिस्मती पाकिस्तान की क्रिकेट की ये देखे कि पिछले 6 महीने में जो भी तब्दीलियाँ हुई या आ रहा है या कुछ जा रहा है या जो भी जिस तरह से भी तब्दीली हुई, इवन कॉन्स्टिट्यूशन की भी तब्दीली हुई, जो अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान टीम ऊपर जा रही है, आपकी शाइन जीत रही है, आपकी अंडर 19 जीत रही है, तो ये खुशकिस्मती है हमारी। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होती बहुत इससे फ़र्क पड़ता है, और स्पेशली हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसको एक पक्का स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। हाँ उसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है लेकिन उसको बिल्कुल तब्दील हमें नहीं करना चाहिए बार बार, क्योंकि उससे जो है एक प्लेयर्स का जो पाथवे होता है जो उनकी डिवेलपमेंट हो रही होती है वो प्लेयर्स जो है वो परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि अब नए स्ट्रक्चर में मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो यही अच्छी चीज़ इसमें ये हुई है कि जैसे उनका उन्होंने पहले भी सवाल किया था, हमने मेक श्योर किया है कि वो जो लड़के कंटिन्यूटी में उनकी कंटिन्यूटी रहे, मेक श्योर किया उनकी सिलेक्शन हो और वो आगे खेलते रहे उस कंटिन्यूटी के साथ और डेवलप होते रहे। हाँ ये तो देखें, एक तो वो मिसिंग पिछले 3-4 साल से नहीं हो रहा था, वो इसलिए नहीं हो रहा था कि हर सीज़न से पहले मैं ये कर रहा था, हमारी ये मीटिंग होती थी और जो चीफ सेलेक्टर थे जूनियर और जो हेड कोच थे जूनियर उनसे हम प्लेयर लेते थे 10 से 12 जो वो समझते थे कि ग्रेजुएट होने चाहिए, तो वो उसमें इंडक्ट कर रहे थे, और वही जिसकी वजह से आपको पता है कि वो जो रिजल्ट आ रहे हैं PSL में जो इमर्जिंग प्लेयर्स के और भी दूसरी जगहों से, जिस तरह भी आपने देखा होगा इवन के कायद अजम ट्रॉफी का अगर आप देखें पिछले 2 से 3 साल जो कि एक बड़ी ट्रॉफी और सबसे मुश्किल क्रिकेट होती है 4-day क्रिकेट, तो उसमें देखें मुबस्सिर खान दो दफ़ा ऑलराउंडर बने, हुरैरा 2 दफ़ा बेस्ट बैट्समैन बन गए, ये सब अंडर 19 से आए हुए लड़के हैं, हसीबुल्ला बेस्ट बैट्समैन बन गए पाकिस्तान कप के, तो ऐसे 5-6 नाम आपके सामने हैं जिनको हमने अंडर 19 से ऊपर लेके गए। लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज़ हुई है जो प्रोविज़न ये कि 21 साल के 2 लड़के हर वक्त खेल लें टीम के अंदर, तो जो बच्चे अंडर 19 से ओवर एज होते हैं, जो हमारा एक हमेशा से प्रॉब्लम रही थी जिसको हमने पिछले 3-4 साल में कोशिश की थी एड्रेस करने की, अब वो पक्की हो गई कि जब आपने डाल दिया कि 2 लड़के तो खेलने ही खेलने, तो 2 लड़के खेलने का मतलब 2 बैकअप भी होने चाहिए आपके, तो 4 लड़के स्क्वाड में होंगे 21 के आइडियली हैं, एक लड़का प्लेइंग में होगा, अच्छा सॉरी तो 2:30 में होंगे, तो 2 लड़के तो आपके वो आने हैं, और उसके अलावा जो पहले से ऑलरेडी अंडर 19 20 21 22 साल के आपको पता है जो सारे प्लेयर आप लोग खुद फॉलो करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट को, इंशाल्लाह इस डोमेस्टिक के बारे और बेहतर होना चाहिए चीज़ें। तो
अब तो आप देखें, वो आगा सलमान पिछली 2-3 साल की परफॉर्मेंस से आगे आया, सऊद शकील आया, मतलब लड़के ही आप देखें, जमान खान आ गया, एहसानुल्लाह कहाँ से आया, ये तो 10-12 लड़के जो आपके सामने तो प्रमोट और ग्रेजुएट हो रहे हैं आपके सारे, मतलब कितने यंग लड़के आ गए, मतलब आपकी जो आप ये देखें कि आपके पिछले 3-4 साल में जो है ना पूरी टीम, पाकिस्तान की टीम सिवाय आप देखें बाबर, रिजवान और इमाम के मोस्टली यंग लड़के आते जा रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से, और परफॉर्मेंस को डाउन किए बगैर बेहतरीन चल रहा है ये काम, तो मेरे ख्याल से इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। थैंक यू।